अब मैं एक्सेप्शन बताऊंगी, कोई सो गया हो तो जाग जाना। एक्सेप्शन से हमारा मतलब है फिश शब्द, पीपल शब्द, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन पे एस या ईएस लगाया जा सकता है और उसे ग्रामर सही भी मान लेती है, पर सिर्फ एक ही कंडीशन में। पीपल्स तब होगा जब लोग अलग अलग देश, धर्म या जाति के दिखाए जा रहे हैं। पीपल अपने आप में प्लूरल है, उस पर कभी एस नहीं आएगा, पर एस सही माना जाएगा अगर आप कह रहे हो अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग देश के लोग, ऐसा कुछ सेंटेंस में लिखा है तो पीपल्स कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग प्रजाति की मछलियां अक्वेरियम में हैं, वो ये कह रहा है, तो फिशेज कहा जा सकता है, पर फिशेज का मतलब अलग अलग प्रजाति की मछलियां, ना कि फिशेज का मतलब मछलियां। फर्क समझ में आया? फिश का प्लूरल नहीं है ये, अलग अलग प्रजाति दिखाने के लिए कहा जाता है फिशेज, लोगों की अलग अलग जाति दिखाने के लिए कहा जाता है पीपल्स। आपको नहीं कह सकते, भले ही आप में जाति अलग हो, स्टेट अलग हो, धर्म अलग हो, फिर भी आपको नहीं कह सकते क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। यहां नागरिकता के सेंस में बात हो रही है, अलग देश हो, धर्म हो, जाति हो तो आप पीपल्स कह सकते हो, अदरवाइज किसी और सूरत में, किसी और कंडीशन में इनमें से किसी भी नाउन पे एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा।